मां की जान उस समय हलक पलटक गई जब एक मादा बंदर ने आंगन में सो रही उसकी 5 माह की अबोध बालिका को अपने सीने से लगा रखा। मां को डर था कि बंदरिया बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। हालांकि बंदरिया करीब 5 घंटे तक बच्ची के साथ लेटी रही, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं पहुंचाई। आखिरकार जू की रेस्क्यू टीम ने किसी तरह से बंदरिया को बच्ची से अलग किया और उसे जाकर जंगल में छोड़ा। इस मार्मिक क्षण को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ भी जुटी रही। ये मामला खरगहना गांव का है। जंगल से लगा हुआ क्षेत्र होने के कारण लंगूर, बंदर और अन्य वन्य प्राणियों की गतिविधियां यहां बनी रहती हैं। मंगलवार सुबह 9 बजे इस गांव के निवासी नरेंद्र कुमार उइके के घर अंदर जो नजारा था उसे देखकर परिवार के अन्य सदस्य घबरा गए। घर के आंगन में रखे पलंग में 5 महीने की निधि गहरी नींद में थी। वहीं बाजू में लाल मुंह की बंदरिया बच्ची के सीने में हाथ रखे हुए सो रही थी। बच्ची के बाजू में बंदरिया को देखकर उसकी मां के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो डर के शोर मचाने लगी। जैसे ही बंदरिया को बच्ची से अलग करने का प्रयास किया तो वो काटने के लिए दौड़ाई। इधर जानकारी लगते ही ग्रामीणों की खासी भीड़ वहां जुट गई। वहीं करीब 12 बजे कानन जू की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू के लिए सामान निकाले गए तो बंदरिया डर गई और घबराकर बच्ची से अलग हो गई। वहीं बंदरिया के अलग होते ही टीम ने मां को बच्ची से लेकर अंदर जाने के लिए कहा। वन विभाग के मुताबिक बंदरिया क्षेत्र में 2 दिनों से है, जहां 2 लोगों को वो काट भी चुकी है। मंगलवार की शाम बंदरिया नरेंद्र के घर पर आकर बैठी हुई थी और सभी ये मान रहे कि थोड़ी देर बाद वो वहां से चली जाएगी, लेकिन पूरी रात वो घर पर ही रही और सुबह बच्ची को देखकर उसके नजदीक पहुंच गई। वन्य प्राणी विशेषज्ञ डॉक्टर पी के चंदन का कहना है कि बंदरिया उस मासूम को अपना बच्चा मान रही होगी। संभवतः उसके भी बच्चे को किसी ने छीन लिया होगा या फिर उसकी मौत हो गई होगी, लिहाजा वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। ये बंदर का स्वाभाविक व्यवहार है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज। पुराना पेड़ है ना, अभी तुम्हारे साथ मैंने के यहाँ पूरा जिज्ञासा कर रहे हैं, बहुत पहले मैं जान आ रहा हूँ। और जंगल अभी देखना है ना तो गर्मी में जैसा पूरा पत्ता झड़े रहते हैं, तेज समय अनुमानित लग रही है कि कितना में घना होता है पत्ता।